नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे कान के विषय में। कान में कोई भी समस्या होती है तो एक तकलीफ होती है और आपको एक ENT डॉक्टर पास, स्पेशलिस्ट पास तुरंत जाना पड़ता है। वो जाना ठीक है, लेकिन हम आपको एक कान की बहुत कॉमन समस्या होती है जिससे 3-4 सिम्टम क्रिएट होते हैं, उस डिजीज़ से अवगत कराएंगे, उसको ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं बताएंगे। वह सिम्टम है, वह डिजीज़ है मिनियस डिजीज़ या माइनस डिजीज़। यह डिजीज़ आजकल बहुत कॉमन डिजीज़ है जिससे कि आप परेशान होते हैं। यह होने पर आपको चक्कर आने लगते हैं, आपको कान में आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। हम आपको बताएंगे माइनस डिजीज़ को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं माइनस डिजीज़ होता क्या है। माइनस डिजीज़ साथियों आपका इनर ईयर, कान का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है, यह उसका डिजीज़ होता है। जब आपके कान के जो इनर मोस्ट ईयर होता है उसमें फ्लूइड सिक्रीट होता है और वह फ्लूइड जो आपके नॉर्मल ईयर की फंक्शनिंग है, उसके जो सिग्नल होते हैं, वह ब्रेन तक लाने में अवरोध पैदा करता है, तभी आपको ये माइनस डिजीज़ होता है। इसमें आपको चक्कर आते हैं, इसमें आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ब्रॉडली यह ही सिम्टम्स दो माइनर डिजीज में मेनली पाए जाते हैं, लेकिन हम आपको इसका पूरे सिम्टम बताते हैं। इसके सिम्टम्स की साथियों बात कर लेते हैं। सिम्टम्स साथियों माइनर डिजीज़ के, आपको कान में बजिंग और हमिंग होना, आपको वर्टाइगो होना। यह वर्टाइगो आपको थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है, थोड़े वक्त बाद भी हो सकता है, बहुत लंबे वक्त बाद भी हो सकता है, लेकिन जब ये एक स्पेशल तरह का वर्टाइगो होता है जिसमें आपको लगता है स्पिनिंग, चक्कर खा गया, इस तरह की जो स्पिनिंग होती है, यह माइनस डिजीज़ के वर्टाइगो की कैरेक्टरिस्टिक होती है। यह सिम्टम उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। साथ में आपको जैसा हमने बताया हमिंग हो सकती है, आवाज़ें आ सकती हैं आपके कान में, और इस तरह की तकलीफें हो सकती हैं। इसके कारण की बात कर लेते हैं साथियों। माइनस डिजीज़ का एग्जैक्ट कारण अननोन है, लेकिन डॉक्टर उसको इस बात से जोड़ते हैं कि आपका जो इनर मोस्ट ईयर होता है उसमें फ्लूइड सिक्रीट होने लगता है, जो लेब्रिंथ होता है। लेब्रिंथ आपके हियरिंग ऑर्गन्स को होल्ड करता है। जब इसमें फ्लूइड सिक्रीट होने लगता है तो यह जो है आपके नॉर्मल जो सिग्नल की प्रोसेसिंग है, आपके इनर ईयर के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने की जो प्रोसेसिंग है, उसको वह रोकता है, उसको वह नहीं होने देता है। तो इस कारण जब ये सिग्नल ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं तभी आपको चक्कर आते हैं और तभी आपको आवाज़ें हमिंग सुनाई देती है। तो फ्लूइड का सिक्रीट होना आपके इनर मोस्ट ईयर यानी लेब्रिंथ में, यह ही कॉज है माइनस डिजीज़ का। हम आपको बताते हैं साथियों माइनस डिजीज़ को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों बता दें, यह आपकी जानकारी के लिए वीडियो है। कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि हर दवा के इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स दोनों होते हैं। चलते हैं साथियों, बताते हैं आपको 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं जो आपकी माइनस डिजीज़ को ठीक करने में सहायक हो सकती हैं। साथियों, एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है आपको, जब मिनियस डिजीज़ होता है उस समय कान की एक बड़ी कॉमन स्थिति होती है, वह होती कान में घंटियाँ बज रही हैं, आवाज़ें आती हैं और आवाज़ों में भी घंटियाँ बजने की आवाज़ आती है। अगर यह स्थिति है और आपको माइनस डिजीज़ है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है चिनिनम सल्फ्यूरिकम। आप चिनिनम सल्फ 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको पार्शियल हियरिंग लॉस हो रहा हो और आपके कान में घंटियों की आवाज़ आ रही हो। आप इस दवा को लें, आपका यह रिंगिंग की आवाज़ भी ख़त्म हो जाएगी और आपका माइनस डिजीज़ भी ठीक होने लगेगा। फिर एक दवा आती है साथियों जिसमें कि स्थिति आती है जिसमें कि आपको चलने से आराम मिलता है, यानी आपका चक्कर ख़त्म हो जाता है माइनस डिजीज़ में, और बैठे रहने से ज़्यादा चक्कर आता है। अगर यह स्थिति आप में है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है, और दवा का नाम है रोडोडेंड्रॉन ट्राइसिंथेमम। रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। जब आपको जरा भी चलते हों तो आराम मिलता हो वर्टाइगो में मिनियस डिजीज़ होने पे, और जब बैठ जाते हों तो चक्कर बढ़ जाते हों। यह सिम्टम अगर आप में है तो आप रोडोडेंड्रॉन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका वर्टाइगो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका माइनस डिजीज़ भी ठीक हो जाएगा।
फिर साथियों एक बड़ी कॉमन स्थिति है माइनस डिजीज़ की, चक्कर आने लगता है। आपको माइनस डिजीज़ डॉक्टर ने बताया है और आपको चक्कर आने लगा है। होम्योपैथी में इस चक्कर को रोकने और माइनस डिजीज़ को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोनियम मैक्यूलेटम। आप कोनियम मैक 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका जो वर्टिगो की स्थिति है यह भी ख़त्म हो गई और आपका माइनस डिजीज़ भी ठीक होने लगा। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि अगर आपके लेफ्ट ईयर ब्लॉक है, लेफ्ट ईयर में आपको मीनिया डिजीज़ है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और वह है आयोडम। आप आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें कि अगर आपको लेफ्ट साइडेड वर्टिगो हो रहा है यानी बाएं तरफ आप मूव करते तो वर्टिगो होता है, बायां कान आपके बंद है और बाएं कान में ही पार्शियल हियरिंग लॉस है, उस स्थिति को ठीक करने की और मीनियस डिजीज़ को ठीक करने की बहुत कारगर दवा आयोडम है। इसको आप वीकली लेकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है माइनस डिजीज़ में चक्कर आना और साथ में डिजीनेस होना। डिजीनेस का मतलब है कि जहाँ चल रहे हैं वहीं गिर पड़े, चक्कर आया और एक कमज़ोरी आई और गिर पड़े। तो अगर यह डिजीनेस वाली डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस हो और आपके माइनस डिजीज़ हो तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है जेलसीनियम सेमी परवाइन। जेलसीनियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं जब आप माइनस डिजीज़ में चलते चलते लॉस ऑफ बैलेंस करते होते हैं और गिर जाते हैं और डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस और वीकनेस यह 4 सिम्टम आप में हैं, आपको प्यास कम लगती है, पानी पीने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस जेलसीनियम है। यह दवा लेके आप अपने मीनियस डिजीज़ को ठीक कर सकते हैं। फिर एक स्थिति आती है साथियों मीनियस डिजीज़ में कि आप आँख बंद करके नहीं रह सकते। अगर ज़रा भी आपने आँख बंद करी तो आपको बहुत तेज चक्कर आने लगा। अगर यह स्थिति आपको मीनियस डिजीज़ में है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैलेडियम। आप कैलेडियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका यह जो जरा भी आपको बंद करने के बाद चक्कर आने वाली स्थिति यहाँ ख़त्म हो जाएगी और आप नॉर्मली अपनी फंक्शनिंग कर पाएंगे। फिर साथियों एक बहुत कॉमन स्थिति आती है मीनियस डिजीज़ में कि जब आपको साउंड की बजिंग आती है, जैसे जो मधुमक्खी होती है उसकी जो आवाज़ होती है बरैया वाली, वैसी बजिंग आपके कान में सुनाई देती है। अगर यह स्थिति है साथियों तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा का है और दवा का नाम है चीनोपोडियम एल्मिंथिनिकम। चीनोपोडियम बहुत अच्छी दवा है आपको बजिंग को रोकने की और मीनियस डिजीज़ को ठीक करने की। तो अगर आपके बजिंग है तो आप चीनोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपकी बजिंग भी ख़त्म हो गई और आपका मीनियस डिजीज़ भी ख़त्म हो गया। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आपको माइनस डिजीज़ है और साथ में आपको वॉमिटिंग हो रही है। अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है और आपको माइनस डिजीज़ है तो होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है उसको ठीक करने की। यह दवा आपके माइनस डिजीज़ को भी ठीक करेगी और आपकी वॉमिटिंग को भी ख़त्म करेगी और दवा का नाम है सैलिसिलिकम एसिडिकम। सैलिसिलिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। अगर आपको कान में म्यूज़िकल आवाज़ें आती हों, गाने बजाने टाइप की आवाज़ें आती हों, आपको चक्कर आता हो, आपको पार्शियल हियरिंग लॉस हो रहा हो और आपको उकाई नौजिया फील होता हो, इन सारी स्थितियों को ठीक करने की एक दवा है। फिर एक स्थिति आती है साथियों मीनियस डिजीज़ की, आपको मीनियस डिजीज़ है साथ में आपको कुछ भी खाने पर चक्कर आने लगा। अगर यह स्थिति आप में हो कि आप कुछ भी थोड़ा भी खाते हैं और फिर आपको वर्टिगो आने लगता है, चक्कर आने लगता है, तो उस स्थिति को ठीक करने की और मीनियस डिजीज़ को क्योर करने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में सिलीनियम है। आप सिलीनियम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपका वर्टिगो भी ख़त्म हो जाएगा और यह जो खाने के बाद आपको वीकनेस और चक्कर आ रहे हैं यह ख़त्म होंगे और आपका मीनियस डिजीज़ भी ठीक होगा। एक स्थिति आती है साथियों माइनस डिजीज़ में कि जब आपको बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही हों, सुनाई पड़ रही हों कान में, तो अगर आपको लाउड नॉइसेस आ रही हैं, बहुत तेज़ आवाज़ें कान में आ रही हैं, तो उसको ठीक करने की भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है थेरिडियन। आप थेरिडियन 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं।
इससे आपके कान में आने वाली तेज आवाजें खत्म हो जाएंगी और आप अपने को कंफर्टेबल महसूस करने लगेंगे। आपका माइनस डिजीज भी खत्म हो जाएगा। फिर साथियों, एक सिम्टम आता है मिनियस डिजीज में कि आपके मिनियस डिजीज है, कान आपके ब्लॉक हैं, पार्शियल हियरिंग लॉस है और आप जरा भी हिले तो आपको चक्कर आने लगा। अगर यह स्थिति हो मिनियस डिजीज में कि आपको वर्टिगो हो जरा सा भी हिलने पर और मिनियस डिजीज साथ में हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा थूजा ऑक्सीडेंटालिस है। आप थूजा 1 mg की 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि आपका वर्टिगो भी रुक गया और आपका मिनियस डिजीज भी ठीक होने लगा। फिर साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट दवा आती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति आती है होम्योपैथी में कि आपके कान बिल्कुल बंद हो गए, आपका यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो गया। यह मिनियस डिजीज का सबसे बड़ा रीज़न भी होता है, तो लाइकवाइज इसको ठीक करने की भी बहुत इंपॉर्टेंट दवा है कालीम्यूरेटिकम। कालीम्यूरेटिकम 30 पावर में आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप देखेंगे कि जो आपका कान बंद हुआ है, आवाज़ सुनना बंद हो गई है, कान में भारीपन है, वह भी ख़त्म हो गया और आपका माइनस डिजीज भी ठीक होने लगा। फिर साथियों, एक स्थिति आती है चक्कर आने की वर्टिगो की मिनियस डिजीज में कि आप जरा भी हिले तो आपके यहाँ वर्टेक्स पे पेन होने लगा, सर पे दर्द होने लगा। अगर यह स्थिति हो तो इसकी भी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोकुलस इंडिकस। अगर आपके जरा भी वर्टिगो आ रहा है और आपको मिनियस डिजीज है और जरा सा हिलने पे भी चक्कर आ रहा है, तो आप कोकुलस 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके लाभ प्राप्त कर सकते हैं अपने चक्करों में भी और मिनियस डिजीज में भी, दोनों बात। फिर साथियों, एक स्थिति आती है मिनियस डिजीज में कि आपके जो है वो कान बंद होने लगे और आपको हिसिंग टाइप हिस जैसी आवाज़ें आने लगी, सरसराहट वाली आवाज़ें आने लगी। अगर वह स्थिति है तो होम्योपैथी में उसको ठीक करने की भी बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है सैलिसिया। आप सैलिसिया 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं जब आपके कान में हिसिंग टाइप नॉइस आ रही हो, तो कभी लाउड हो रही हो, कभी बहुत लो हो रही हो, कान से बदबूदार डिस्चार्ज हो रहा हो और आपके कान ब्लॉक हो, उस स्थिति को ठीक करने की और मिनियस डिजीज को ठीक करने की बहुत कारगर दवा सैलिसिया है। फिर एक स्थिति आती है साथियों मिनियस डिजीज में कि हर समय सर में भारीपन बने रहना। अगर यह स्थिति हो कि आपके हर वक्त सर में भारीपन बना है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है बेलेडोना। आप बेलेडोना 200 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको मिनियस डिजीज हो और लगता हो कि पूरा खून का जो दौरान है वो सर की तरफ आ रहा है और हार्ट की तरफ आ रहा है और पैल्पिटेशन और थ्रॉबिंग हार्ट में आपके दिल में हो रही है, तो बेलेडोना आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस है। यह दवा आपको थ्रॉबिंग में, पैल्पिटेशन में और मिनियस डिजीज तीनों चीज़ों में आराम देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों माइनस डिजीज में कि आपको चक्कर आ रहे हैं और आपको बेहोशी, फेंट होने तक की हालत आ गई, तो यह बेहोशी की स्थिति अगर आपके सामने आ जाए माइनस डिजीज में और आपको चक्कर बहुत आ रहे हों, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा फास्फोरस है। फास्फोरस 1 mg की 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपको चक्कर बहुत आते हों, आपको कमजोरी बहुत हो, शाम को आपकी तकलीफें बढ़ती हों, आपको खाने में ठंडी चीज़ें बहुत पसंद हों, तो ड्रग ऑफ द चॉइस उस स्थिति में उन सिम्टम्स पर आपकी माइनस डिजीज की फास्फोरस है। आप यह दवा लेके अपने को लाभ पा सकते हैं। फास्फोरस के मरीज को अंदरूनी रूप से जलन भी बहुत होती, बर्निंग भी बहुत होती है, तो यह सिम्टम है तो आप फास्फोरस का सेवन करें, आपके माइनस डिजीज को ठीक होने में सपोर्ट मिलेगी और बहुत जल्दी वहाँ ठीक हो जाएगा। फिर साथियों, की स्थिति आती है माइनस डिजीज में कि आप सुबह उठे और चक्कर आने लगे और लगा आगे की तरफ गिर जाएंगे। अगर यह स्थिति हो साथियों कि आप सुबह उठें और आपको चक्कर आने लगे और आपको लगे आप आगे की तरफ गिर जाएंगे, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ग्रेफाइटिस। आप ग्रेफाइटिस 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका यह जो सुबह के उठ के आगे की तरफ चक्कर आके गिरना, यह ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये साथियों कुछ दवाएँ थीं मिनियस डिजीज के विषय में जो कि पार्शियल हियरिंग लॉस, चक्कर और कान में आवाज़ें आने का बहुत बड़ा कारण है। हमने प्रयास करा है कि ये तीनों सिम्टम्स माइनस डिजीज के इस वीडियो में कवर कर लें, आपको कुछ जानकारी दे दें।
आपको कहना चाहेंगे साथियों, यह जानकारी तक ही इस बात को सीमित रखें, कोई भी दवा कुशल चिकित्सक से पूछ के लें, जो अपने समझ अपने मन से दवा ना लें, कि इससे आपको कभी नुकसान भी हो सकता है। अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो तो आप नोटिफिकेशन पैनल में अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9415786380 पर अपनी क्वेरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, अगर आपको या होम्योपैथी को आपके करीब लाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने, मैं उम्मीद करता हूँ, सब्सक्राइब करा होगा, अन्य लोगों को उसको सब्सक्राइब करने को प्रेरित कीजिएगा, और ना करा हो तो कर दीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके यूं ही सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों हम पे भरोसा करने के लिए, साथ देने के लिए, वक्त हम पे देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।